नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। सुदीक्षा भाटी 3.5 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका के बॉबसन कॉलेज में पढ़ने वाली 19 बरस की लड़की हाल ही में बुलंदशहर में रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। परिवार वालों का आरोप था कि बुलेट पर सवार दो लोग छेड़खानी कर रहे थे, ओवरटेक करते हुए स्टंट कर रहे थे। इन्हीं वजहों से बाइक और बुलेट की टक्कर हुई और हादसे में सुदीक्षा की जान चली गई। अब बुलंदशहर पुलिस ने छेड़खानी के आरोपों को खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिला है। संभवतः गांव के लोगों ने इंश्योरेंस की रकम के लिए ऐसा कहा था। और क्या कहा पुलिस ने? बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने मीडिया से बात की और कहा, देखिए दिनांक 10/8/20 को सुबह 8:50 पर औरंगाबाद थाना क्षेत्र के चरौरा मुस्तफाबाद गांव की सीमा में एक दुखद सड़क दुर्घटना में सुदीक्षा भाटी की मौत हो गई और उस समय उनका चचेरा भाई गाड़ी चला रहा था जिसका नाम निगम भाटी है। मोटरसाइकिल स्प्लेंडर थी। मौके पर एक चश्मदीद मिले हैं जिनका नाम हेमंत शर्मा है, चरौरा मुस्तफाबाद के रहने वाले हैं। इनका कहना था कि सामने से आ रहे दूध के टैंकर के कारण बुलेट सवार ने अपने ब्रेक मारा और फिर पीछे से आकर के जिस मोटरसाइकिल से सुदीक्षा भाटी थी वो बुलेट में टकराई और एक्सीडेंट हुआ। सिर में हेड इंजरी आने के कारण उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने आगे बताया कि सुदीक्षा के भाई ने घटना के बाद पुलिस को जो आवेदन दिया उसमें छेड़खानी वाली बात का जिक्र नहीं किया। एसएसपी ने आगे कहा, चचेरा भाई निगम भाटी जो था उसने जो बयान शुरुआती दौर में दिया उसमें न तो छेड़छाड़ की किसी घटना का उल्लेख था बल्कि बस केवल इतना था कि सामने से ब्रेक लगने के कारण फिसल गया, फिसलने से मोटरसाइकिल गिर गई और बहन की चोट लगने से मौत हो गई। भाई ने एक तहरीर भी लिखी लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि जब परिवार वाले आ जाएंगे तो तहरीर देंगे, इसलिए अपनी तहरीर वापस ले ली। उसमें भी उसने किसी प्रकार की छेड़खानी या अन्य किसी विवाद की कोई न तो आशंका जाहिर की थी न उस बात को बताया था। बाद में परिवार वालों ने दावा किया कि सुदीक्षा के चाचा सतेंद्र भाटी बाइक चला रहे थे। इस दावे को भी पुलिस ने गलत बताया। एसएसपी ने कहा, तो लोगों ने ये बताना शुरू किया कि चाचा लड़की के चाचा मोटरसाइकिल चला रहे थे, लेकिन विवेचना के दौरान जब चाचा के मोबाइल सतेंद्र भाटी नाम है का एनालिसिस किया गया तो 8:50 की घटना है, 9:17 पर उनकी लोकेशन दादरी क्षेत्र में थी और वो 10:49 पर लगभग 2 घंटे बाद मौके पर पहुंचे हैं। पूरा रूट चार्ट है और जिस रास्ते से आए हैं। फिर इस कहानी के साथ इसको नए रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया गया और एक झूठ को अगर 50 लोग बार बार दोहराने लगे तो सच जैसा लगने लगता है और इसमें फिर पुलिस को पार्टी के रूप में दिखाया जाने लगा कि पुलिस की लापरवाही छेड़खानी की वजह से उसकी जान गई। अब तक की जाँच में और जो चश्मदीद है उसके बयान में कहीं से भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसी तरह का कोई छेड़खानी का प्रकरण था। एसएसपी ने हालांकि ये भी कहा कि मामले की जांच के लिए 5 अलग-अलग टीमों को लगाया गया है। अगर आगे की जांच में उत्पीड़न वाली बात सामने आती है तो इससे जुड़ी धाराएं लगाई जाएंगी, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। एसएसपी का कहना है कि इस घटना में पुलिस कुछ भी नहीं छिपा रही है। पुलिस महकमा भी सुदीक्षा जैसी होनहार स्टूडेंट की मौत से दुखी है। उन्होंने बताया कि सुदीक्षा के पिता की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई है। अभी तक इलाके के आसपास के 15 बुलेट मालिकों से पूछताछ की जा चुकी है। इसके साथ ही एसएसपी ने अपील की कि इस मुद्दे को ट्विस्ट न किया जाए। इस बीच मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सुदीक्षा के घर वालों के बयान दर्ज करने 12 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के दादरी गई थी। सुदीक्षा के परिवार ने 11 अगस्त को कहा था कि वो अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही थी। रास्ते में बुलेट सवार दो लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। वो सुदीक्षा पर कॉमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से हादसा हुआ। आपके लिए खबर लिखी है हमारी साथी लालिमा ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।